लेकिन उन्होंने इस तरह की जद्दोजहद की कि आज हम और जब तक पाकिस्तान रहेगा हम कायदे आजम का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें आजादी दिलवाई। लेकिन अहमदाबाद हम अभी तक आजाद नहीं है। मेरा मकसद इस्लामाबाद पहुंचने का और आप सबको अपने साथ ले जाने का एक मकसद है कि मेरी कौम हकीकी तौर पे आजाद हो। और आजाद कैसे होगी? जब मेरी कौम को इंसाफ मिलेगा, जब ताकतवर और कमजोर के लिए कानून बनेगा, जब छोटा चोर गरीब आदमी जेल में जाए और बड़ा डाकू एनआरओ लेके वजीर आजम बन जाए। जेलों में जाके देखे।